देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी गठित, सीएम धामी ने दिए निर्देश। आदि कैलाश यात्रा पर गई यूपी की युवती ने खुद को बताया देवी पार्वती का अवतार, शिव से विवाह पर अड़ी थी युवती। गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस पर नैनीताल में निकाला गया नगर कीर्तन, कई लोग रहे मौजूद। कोटद्वार में स्पा सेंटर में पुलिस ने की छापेमारी, 3 युवती और 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए इस संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में तमाम सुविधाओं की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एक्सपर्ट्स कमेटी गठित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मृत्यु के वास्तविक कारणों की भी सही स्थिति जनता के समक्ष रखी जाएगी, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरते। धारचूला में आदि कैलाश सिर्फ एक स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में अनेकों ऐसे अद्भुत स्थल हैं जिनका धार्मिक मान्यताओं में काफी महत्व है। यहाँ स्थित ओम पर्वत के दर्शन कर हर कोई खुद को अभिभूत पाता है। जो भी ओम पर्वत की यात्रा पर जाता है वहाँ से लौटा नहीं चाहता है। इन दिनों ऐसा ही एक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। यूपी के लखीमपुर खीरी की एक युवती ओम पर्वत के दर्शन कर अब वापस लौटा नहीं चाहती है। चीन बॉर्डर के करीब नावी ढांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ओम पर्वत हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आदि कैलाश दर्शन को आए देश दुनिया के यात्री यहाँ ओम की आकृति वाले ओम पर्वत के दर्शन कर खुद को अभिभूत पाते हैं। ओम पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो कि ईश्वर का एक चमत्कार कहलाता है। यहाँ आकर कोई भी भगवान के शरण से खुद को दूर नहीं करना चाहता है। ऐसा ही कुछ यूपी के लखीमपुर खीरी के 28 साल के हरप्रीत कौर के साथ हुआ है। दरअसल 23 अप्रैल को हरप्रीत कौर अपनी माँ हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। दोनों माँ बेटी को प्रशासन ने 6 मई तक के लिए इनर लाइन पास दिया था, जिसके बाद इनके अनुरोध पर 6 से 24 मई तक के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। लेकिन 24 मई को पास की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी हरप्रीत ने नाभिढांग से लौटने के लिए मना कर दिया। लाख मनाने के बाद भी जब हरप्रीत ने वापस लौटने से इनकार कर दिया तो माँ हरविंदर कौर थक हार कर वापस लौट आई। हरप्रीत का कहना है कि वो शिव की धरती से जाना ही नहीं चाहती है। इतना ही नहीं, वो खुद को देवी पार्वती का अवतार बताकर भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरप्रीत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहली बार उसे नीचे लाने का प्रयास सफल नहीं हो पाया, जिसके बाद फिर से युवती को बलपूर्वक नीचे धारचूला लाने के लिए 12 सदस्यीय एक पुलिस टीम नाभिढांग भेजी गई। इस टीम में चिकित्सा कर्मी भी शामिल रहे। टीम ने युवती को बमुश्किल धारचूला पहुँचा दिया है। देखिए, एक माँ और बेटी जो कि एक माह पूर्व जिनको इनर लाइन परमिट दिया गया था, वो आदि कैलाश यात्रा पर दोनों रवाना हुई थी। उनका इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद जो माँ है वो नीचे धारचूला आ गई थी, परंतु उनकी जो बेटी है जो 27 वर्षीय हैं, उनको इनर लाइन परमिट समाप्त होने के बाद अभी तक वो गर्भ्यांग नामक जो गाँव है वहाँ पर रुकी हुई हैं। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उस महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ITBP उसको मॉनिटर कर रही है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस महिला को लाने के लिए टीम भेजी गई थी, परंतु महिला की मानसिक स्थिति उचित न होते उसको लाना ठीक नहीं रहा। अतः पुनः आज पुलिस और प्रशासन और एक मेडिकल टीम को गर्भ्यांग के लिए रवाना किया गया है तथा उस महिला को यहाँ धारचूला में लाया जाएगा। नैनीताल जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने रामनगर पहुंचकर तहसील परिसर में जनता की समस्याएं सुनी। 88 लोगों ने जिलाधिकारी के सामने अपनी समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने कार्यालय में कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए बाकी समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसमें देखिए, लगभग 88 शिकायतें हम लोगों ने दर्ज की हैं और ये पहली बार हम लोग यहाँ पे रामनगर में बैठे हैं। वैसे तो बहुत ही से शिविर हमारे लगते रहते हैं, लेकिन एक रूटीन में अब हम लोगों ने ये तय किया है कि हर महीने के प्रथम शनिवार को और तृतीय शनिवार को हम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जनता की शिकायत हम लोग सुनेंगे। तो उसमें टोटल 88 शिकायतें हम लोगों ने दर्ज की हैं। इसमें कई मामले ऐसे आए जिनको राशन नहीं मिल रहा था, कुछ बच्चे ऐसे आए जो अनाथ थे, उनको राशन नहीं मिल रहा था, तो उनको तत्काल हम लोग राशन की व्यवस्था की है और वो अनाथ बच्चे पढ़ नहीं सकते आगे जाके, तो उनके एडमिशन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो भीमताल में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल है हरमन माइनर,
तो वहाँ पे हम उन बच्चों का एडमिशन कराएंगे। और बहुत सारे मैटर्स ऐसे आए जो ज़मीन से रिलेटेड हैं, तो कुछ मैटर उनमें ऐसे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे मैटर्स में हम कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जो जिन मामलों में न्यायालय में कोई विचार नहीं हो रहा है या न्यायालय में जिसमें वाद नहीं चल रहा, तो उन विषयों पे हम लोग एक सप्ताह के अंदर जो भी जितने भी लोगों का आया है उसका निस्तारण हम लोग करेंगे। एक पंचायत सेक्रेटरी है जिसकी काफ़ी शिकायतें आई हैं और DPRO के माध्यम से CDO तक उसकी जांच रिपोर्ट भी गई है, तो हम उसको कल या परसों तक उसको जल्द सस्पेंड कर दें। ऋषिकेश के ITPL के जंगल में घास चर रही बकरी को अचानक अजगर ने अपना निवाला बना लिया। हालांकि बकरी चराने गया स्वामी बकरियों के साथ ही था। अचानक उसने देखा कि एक बकरी को अजगर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। देखते ही देखते अजगर ने बकरी को अपना निवाला बना लिया और उसको मार डाला। लंबे संघर्ष के बीच बकरी स्वामी ने भी बकरी को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो अजगर की पकड़ से बकरी को नहीं बचा पाया। जनपद टिहरी पड़ोली हरियाणा गांव निवासी प्रवीण सिंह जम्मू कश्मीर के सौंपिया क्षेत्र में पेट्रोलिंग के दौरान IED धमाके में शहीद हुए थे। कल उनकी अंतिम विदाई में घनसाली और तमाम आसपास के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनकी शहादत को याद किया और घनसाली बाजार को व्यापार मंडल के द्वारा उनके सम्मान में बंद रखा गया। साथ ही सेना के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 15 गढ़वाल राइफल में कार्यरत प्रवीण सिंह का उनके पैतृक घाट शिवपुरी में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य रघुवीर सजवान, जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव और हजारों की तादाद में जनमानस जन नेता मौजूद रहे। नहीं, ये प्रवीण ने अपनी शहादत दी हमारी रक्षा के लिए और हमारा सबका गला भरा हुआ है। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है और टिहरी के बेटे ने, प्रवीण ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है, इस देश की रक्षा के लिए प्रवीण ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। भावुकता में काम नहीं चला। बहुत ही दुख और गमगीन माहौल है और मुझे कल सुबह जब 9:30 बजे पता चला कि ये मनोज प्रवीण आपकी विधानसभा का है, तो मुझे माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया और कन्फर्मेशन हुई। तब से हम सब लोग जैसे बहुत तनाव में भी हो चुके थे और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। और बाकी कुछ नहीं कर सकते, ये माँ का लाल था, उसने भारत माँ की सेवा की है। निश्चित ये लड़का अमर है, ये मरेगा नहीं और इसकी याद कभी किसी कोई हटा नहीं सकता, भुला नहीं सकता। और बाकी रहा विषय उस परिवार को शक्ति, उस परिवार को हिम्मत देने के, उसका एक छोटा सा बच्चा भी है 5 साल का, उसकी बहू को ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी से उठ सके। देखो, ये पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले ज़माने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है, उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि नई नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट, नई नीति अपनानी पड़ेगी। और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलाई हुए हैं, जिससे कि पूरा दारोमदार अलाई भी होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलाई ठीक काम करनी चाहिए। अलाई काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित तौर जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाए अभी। हमारी अलाई काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, हमें सख्त करनी पड़ेगी अलाई को, और जिस प्रकार पहले था अभी काफ़ी कंट्रोल हुआ था, लेकिन कुछ जो ये तत्व है रक्त बीज की तरह ही है, एक यहाँ मरता है वहाँ दो भेज और भेज देते हैं, तो हमें भी नीति बदलनी पड़ेगी। इसलिए बस यही है मुझे सरकार से, मोदी सरकार से, कि थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा और LIU तकलीफ होनी चाहिए, बस फिर तो कुछ कोई रोक नहीं सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के अवसर पर नैनीताल में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी सजाई गई थी। गुरुद्वारे को भी आकर्षक रूप से सजाया गया था। नगर कीर्तन मल्लीताल गुरुद्वारे से शुरू होकर माल रोड होता हुआ तल्लीताल जाकर पूर्ण गुरुद्वारे पहुंचा, जहां जगह जगह नगर कीर्तन के लोगों के लिए ठंडा पेयजल उपलब्ध किया जा रहा था। नगर कीर्तन के दौरान सिख समुदाय द्वारा रास्ते को पूरी तरह साफ किया जा रहा था।
एक एनजीओ मानवता की सहायता के तहत रामनगर पहुंची दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम ने शिविर लगाकर रामनगर कॉर्बेट पार्क में तैनात वन कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन के प्रवेश द्वार पर स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में दिल्ली से आई एम्स की टीम ने सभी वन रक्षकों की स्क्रीनिंग की। आपको बताते कि दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के 12 सदस्य चिकित्सकों की टीम इन वन रक्षकों का चेकअप 2 दिन तक करेगी। बॉडी मसाज के नाम पर जगह जगह खुल रहा स्पा सेंटर संदिग्ध गतिविधियों के कारण आम जनमानस के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहे हैं। खुलते तो ये स्पा सेंटर बॉडी मसाज के नाम पर है, मगर धीरे धीरे इन स्पा सेंटरों के मालिक अधिक रुपयों के लालच में स्पा सेंटरों को देह व्यापार का अड्डा बनाने लगे हैं। ऐसा ही देखने को मिला है कोटद्वार के देवी रोड स्थित एक स्पा सेंटर में, जो विगत 1 साल से संचालित हो रहा था। धीरे धीरे ये स्पा सेंटर संदिग्ध गतिविधियों के कारण चर्चा में आने लगा और लोग इस स्पा सेंटर की चर्चा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक पर करने लगे। जब महिला आयोग की अध्यक्ष कोटद्वार आई तो पत्रकारों ने इस विषय को उनके सामने उठाया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने इस स्पा सेंटर पर छापा मारा और 3 युवतियों और 2 युवकों को पूछताछ के लिए थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ की गई। अल्मोड़ा फायर सीजन के दौरान शीतला खेत स्याही देवी के जंगलों को वनाग्नि से बचाने वाले ग्रामीणों और संगठनों को डीएम वंदना सिंह ने सम्मानित किया। इसके लिए वन विभाग की ओर से शनिवार को शीतला खेत क्षेत्र में एक धन्यवाद सम्मेलन आयोजित किया गया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोंडौल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने फायर सीजन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, स्वयं सहायता संगठनों, महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं, तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। चौकुटिया हुआ, चाहे भद्रौज खान हुआ, इधर सोमेश्वर से भी लोग आए थे, महिलाएँ आई थी, और सबको हमने सबसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्रों में समूह बनाएं और वन विभाग से जुड़ें और हमारा वनाग्नि रोकथाम में सहयोग करें, और इस जागरूकता को फैलाने में आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी तक सफल हुए हैं। काराडूंगी के लामरचोड़ निवासी हिमांशु पांडे ने CDS परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप किया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से संयुक्त रक्षा सेवा CDS की परीक्षा में काराडूंगी विधानसभा के पूरनपुर कुमचिया लामरचोड़ निवासी हिमांशु भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में प्रशिक्षण लेंगे। वहीं आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज पाठक ने हिमांशु के आवास पर जाकर उनको और उनके परिवार को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। आज हम सबका पूरे उत्तराखंड का सौभाग्य है, उदड़ी के लाल जिसको बोलते हैं, हिमांशु ने CDS की परीक्षा में पूरे देश में नाम रोशन किया, और मुझे लगता है कि हमारे हल्द्वानी क्षेत्र का और जिस तरह से रतनपुर ईसाई पूरनपुर कुमटिया क्षेत्र के रहने वाले और अपने अथक प्रयास से पढ़ाई के माध्यम से इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया और साथ ही देश के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए अपने तरुणाई अपना यौवन सीधे भारत देश की रक्षा के लिए देने का मन बनाते हुए CDS का अखिल भारतीय स्तर पर वो परीक्षा टॉप की, ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ श्रीमान कमल पांडे जी को और भाई हिमांशु को, उनके पूरे परिवार को, कि उनका जीवन उज्जवल हो, खुशहाली हो और अपने कर्तव्य पर वो बखूबी रूप से निकलें, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मतलब हमारे पास रैंक तो आगे की बट आगे ये सब करने के लिए धन्यवाद सर का, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप स्ट्रॉन्गली फील करते हैं, जिस पैशन को भी आप फॉलो करना चाहते हैं, उसमें अपने एफर्ट्स देते रहिए, काम करते रहिए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट हाँ एफर्ट्स को पूरे दे सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लेसन सीखेंगे, कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और बेस्ट केस सिनेरियो सबको बताएगी स्काई इज़ द लिमिट, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज है और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी प्रिपेयर कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए, बस लगे रहिए, एक ना एक दिन कुछ तो कुछ बेटर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।